जो ये पाकिस्तानी जाहिल बोलते ना कि ये कन्वर्ट करवा रही है, रॉ की एजेंट है, पैसा ले रही है, डॉलरों की भूखी औरत है, और ये पाकिस्तान के पत्रकार जो एक औरत के पीछे भाग रहे हैं। मैं जब से काम करने लगा हूँ तब से मुझे कोई सबसे ज़्यादा किसी वीडियो की डिमांड की गई है, तो वो है ये वाला वीडियो। आज मैं पाकिस्तानी लड़कियों से पूछूंगी कि उनको इंडियन हिंदू लड़के पसंद हैं या पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के, और अगर हिंदू लड़के पसंद हैं तो उसके पीछे क्या वजह है, अगर मुस्लिम लड़के पसंद है उसके पीछे क्या रीजंस हैं। हर दूसरा तीसरा कमेंट मुझे ये आता है कि रिबा पे वीडियो बनाओ, रिबा के क्या हाल है, उन जिहादियों ने रिबा के साथ क्या किया, रिबा क्या कर रही है, उसकी क्या गलती थी, क्या हुआ उसके साथ पे। 99% कमेंट मेरे पास में रिबा के पक्ष में आ रहे हैं। तो मजबूरन मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा और मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ा, और खास तौर से एक बंदी ने मुझे जो बात कही वो मुझे लग गई दिल पे। दिल से बुरा लगता है यार। आप रिवा के वीडियो पे रिएक्शन देके रोस्ट करके पैसे बनाते हो, आज रिवा तकलीफ में है तो आपने उसके लिए एक वीडियो भी नहीं बनाना उचित समझा, तो शर्म की बात है यार। तो शर्म की बात है भी भाई, है भी, तो शर्म की बात ये है भी। लेकिन मैंने रिबा पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि भाई रिबा को, वो पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलों में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के अंदर है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी जान पे आफत आ चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ या उस पर और कॉन्ट्रोवर्सी हो, इसलिए मैंने उसके ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाया। ओके अब मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ मसला आखिर है क्या। रिबा ने एक वीडियो बनाया है, वीडियो के अंदर यह था कि पाकिस्तानी लड़कियों को अगर इंडियन लड़का या हिंदू लड़का पसंद आ जाता है तो वो उससे शादी करेगी या नहीं करेगी। लड़कियों के जो ओपिनियन थे वो लड़कियों ने दिए और वो चली गई अपने घर पे। किसी लड़की ने, जिसने हाँ बोला, उसने रिबा से पूछा अगर शादी हो जाती है आप दोनों की तो आप कहाँ रहना पसंद करोगी, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। तो जिन लड़कियों ने पाकिस्तान में रहना था उन्होंने पाकिस्तान बोला, जिन लड़कियों ने हिंदुस्तान बोलना था उन्होंने हिंदुस्तान बोला, वो भी अपना जवाब दी और चली गई। इन सवालों में और इन जवाबों ना तो रिबा ने कोई इस्लाम की या पाकिस्तान की बेइज्जती करी, ना ही उन लड़कियों ने करी जो पाकिस्तानी लड़कियां थे। उनके जो अपने अपने थॉट थे, जो भी विचार थे उनके, उन्होंने अपने विचार रखे और चली गई। सही बात है। एक वीडियो पॉपुलर होने के बाद में रिबा ने इसके ऊपर एक सीरीज बनाई, उसमें उसने तीन वीडियो बनाए। तीन वीडियो में मेरे ख्याल से 15 से 20 लड़कियां होगी। 15 से 20 लड़कियों का लब्बो लब्बा मैं बता देता हूँ, मोस्टली 10 से 12 लड़कियों ने यह कहा कि नहीं, हमें नहीं करनी है शादी। जो ये पाकिस्तानी जाहिल बोलते ना कि ये कन्वर्ट करवा रही है, रॉ की एजेंट है, पैसा ले रही है, डॉलरों की भूखी औरत है, और ये पाकिस्तान के पत्रकार जो एक औरत के पीछे भाग रहे हैं, तो उनको, उन लोगों ने उसके ऊपर ना तो रिसर्च की ना स्टडी की, क्योंकि ये सब स्क्रिप्टेड था पहले से ही। लेकिन ये रिबा ने नहीं किया था स्क्रिप्टेड, रिबा के जो दुश्मन है, जानी दुश्मन, एक सना अमजद नाम की रिपोर्टर है जो इंडिया के खिलाफ भी जहर उगलती रहती है। कर सकते, शेम ऑन यू इंडिया, आपको इस तरह की रिबा को आज बद से बदतर हालात में पहुंचाने में अगर किसी का हाथ है तो वो है सना अमजद। सना अमजद पाकिस्तान में काफ़ी न्यूज़ चैनल वाले एंकर है, उनको जानती है, तो उसने पूरा प्लानिंग करके ये रिबा के ऊपर स्ट्राइक करवाई और रिबा इसमें फंस गए। अब रिबा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो वहाँ से भाग गई, वो वीडियो में भागती हुई दिखाई दे रही है और पत्रकार उसके पीछे ऐसे भाग रहा जैसे वो बहुत बड़ी गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, और रिपोर्टर है, वो अकेली लड़की है, लड़की के पीछे भाग रहा, उसको डरा रहे, धमका रहे। ग्रुप के साथ में आए थे ये भी 6-7 लोग थे और उसका भाई भी वहीं पे था। गर्मा गर्म भेज चल रही थी रिबा। अब बहुत सारे लोग ये पूछे कि रिबा उस वक्त क्यों नहीं बोली, तो रिबा डर गई थी, सहम गई थी, इसलिए वो नहीं बोली, इसलिए उसने जाना। और वो अकेली लड़की है, उसके पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं है, वो गरीब फैमिली से, तो भी वो नहीं बोली क्योंकि वो किससे लड़ेगी, किससे लड़ सकती है, वो किसी से नहीं लड़ सकती। वो एक अबला नारी है, अबला औरत है, अपना मेहनत करती है, अपने पब्लिक रिव्यू इसमें डाल देती है, अपने यूट्यूब में 2 पैसे चलते हैं, उसका परिवार उसके यूट्यूब से ही चलता है, वो कोई बहुत अमीर खानदान से भी नहीं है। तो वो सहम गई थी, डर गई थी इतने दिन तक, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है पाकिस्तान में जिहादी लोग रहते हैं और वो फिर ऐसे मामलों में इस्लाम से कनेक्ट कर दिया इस वीडियो को, तो उन पाकिस्तानियों ने इसको इस्लाम से कनेक्ट कर दिया, तो भी इसको ये डर था कि कहीं मैं मारी नहीं जाऊँ या वो मेरे साथ में कुछ ऐसा नहीं हो जाए, लड़की की जात हूँ, कल को मेरी शादी नहीं होगी, मेरे परिवार की बदनामी होगी, वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस वजह से भी रिबा चुप रही है और अभी तक भी छुपी है वो। और ये पाकिस्तान के रिपोर्टर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पाकिस्तान में आज़ादी है, पाकिस्तान में क्या घंटे की आज़ादी है जब एक लड़की एक सवाल तक नहीं पूछ सकती, और एक सवाल पूछने पे अगर तुम्हारे लोगों का इस्लाम खतरे में आ जाता। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, मुझे पहले ये लगता था कि हिंदुस्तान के लोगों का इस्लाम खतरे में है, लेकिन इन पाकिस्तानियों का इस्लाम तो हिंदुस्तानियों से भी ज़्यादा कमज़ोर है, वो तो एक सवाल से ही खतरे में आ गया, पूरा पाकिस्तान हिल गया।
वीडियो वायरल हो गई फेसबुक पे, 1,10,00,000 लोग देख चुके उस वीडियो को। तो ये तो पाकिस्तानियों का इस्लाम है, जो एक सवाल से खतरे में आ जाता है वो पूरा पाकिस्तान हिल जाता है। तो मालूम नहीं इस्लाम कितने बरसों से खतरे में, परमानेंटली खतरे में था, ये तो अभी भी खतरे में आया। क्यों पाकिस्तानियों, बस तुम्हारा इस्लाम इतना ही कमजोर है क्या, इतना ही हल्का है क्या, जो एक सवाल से खतरे में आ गया उसको रोकी एजेंट बता दिया, माशरा खराब करने वाली बता दिया। अब गधो, उसकी जो व्यूअरशिप है 80% से ज्यादा इंडियन है, पाकिस्तानी तो उसको देखते भी नहीं है। तो वो इंडिया के व्यूअर को ध्यान में रख के अपना कंटेंट बनाती है, ना कि पाकिस्तान के कंटेंट को। पाकिस्तान में है क्या, पाकिस्तान के लोगों के पास तो इंटरनेट नहीं है, भूखे नंगो। ना उनके पास इंटरनेट है, ना उनके पास मोबाइल है, ना उनके पास एजुकेशन है। और पाकिस्तानी को कौन से वीडियो देखे, एजुकेशन वीडियो देखना थोड़े ना पसंद है पाकिस्तानियों को। पॉर्न वीडियो देखना पसंद है, सेक्स वीडियो देखना पसंद है उनको। ये पसंद है कि किसी लड़की को कैसे वश में किया जाए, कौन सा तोना टाटका किया जाए और सेक्स कैसे किया जाए, रात को हमबिस्तरी कैसे की जाए। पाकिस्तानी इस चीज़ में अपना डेटा खर्च करते हैं, जिनके पास डेटा भी होता है। तो पाकिस्तानी तो ऐसे वीडियो देखते ही नहीं है जाहिलो। और वो पत्रकार अली हमजा जो कहता है कि नहीं अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना, भाई कौन सा, एक मासूम औरत को बदनाम करने के लिए, एक किसी घर की बेटी को बदनाम करने के लिए तुझे अल्लाह ने चुना। अबे बेगैर तो थोड़ी शर्म करो, एक लड़की के पीछे लग गए तुम सारे के सारे, शर्म आनी चाहिए तुमको। अगर तुम रिपोर्टर हो, सच्चे पत्रकार थे, तो पहले उसके पूरे वीडियो देखने चाहिए थे तुमको, वीडियो में सवाल देखने चाहिए थे, जवाब देखने चाहिए थे, फिर अपना एनालिस करके फिर अपनी राय रखनी चाहिए थी। और तुमने जो उसके बारे में भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया, कल को वो मारी जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा मेरे भाई, कौन जिम्मेदार होगा मेरे भाई, ये तो बता दो। तुम कर रहे हो ना बड़े बड़े, बहुत 30 माह खा बन रहे हो एक औरत के ऊपर वीडियो बना के वायरल करके, उसको बदनाम करके ऐसे खुश हो रहे हो। तो भाई ये मर्दानगी तुम्हारे को मुबारक, लानत है तुम लोग पे लानत। तो भाई ये मर्दानगी तुम्ही को मुबारक। जो भी रिबा का मैटर था मैंने आपको सारा बता दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है आपके दिमाग में, कोई सवाल रह गया, जवाब रह गया है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। और आप ये भी बता दीजिए आप रिबा के सपोर्ट में हैं या कि रिबा के खिलाफ है। और हाँ एक चीज़ और, ठीक है, मेरे ये वीडियो देखने के बाद में कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं मैं पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो भैया ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलत फहमी है। मैं एक अबला नारी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं एक विक्टम को सपोर्ट कर रहा हूँ जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके साथ अत्याचार हुआ है। क्योंकि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हीं लोगों का साथ दिया था जिनके साथ अत्याचार हुआ था, जिनके साथ अन्याय हुआ था। अगर मैं आज रिवा के साथ खड़ा हुआ हूँ तो सिर्फ उसका रीजन सिर्फ एक ही है, उस औरत को परेशान किया जा रहा है, उसको उसकी जान को खतरा आ गया है। ये पाकिस्तानियों की घर की लड़ाई थी, आपस की लड़ाई थी, इसके अंदर इनको इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकारों ने जिस तरीके से इंडिया को इन्वॉल्व किया, तो हम इंडियंस का भी फर्ज बनता है इन लोगों को रिप्लाई करने का। सही बात है। बाकी जैसी जिसकी सोच, आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।